सागर में डॉक्टर हरि सिंह वर विश्वविद्यालय के छात्र सुनील राजपूत व उनके सहयोगी अनशन पर हैं। सुनील जी और आपके तमाम सहयोगी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वास्तव में एक परहित का कार्य है। डॉक्टर हरि सिंह और इस सम्मान के लिए पात्र हैं, योग्य हैं और वास्तव में वह एक भारत रत्न के योग्य हैं और उन्हें भारत रत्न जैसा सम्मान मिलना चाहिए। यह देश का सर्वोच्च सम्मान है और वह पात्र हैं। इस परहित के कार्य को देखकर मुझे रामायण की एक चौपाई याद आती है, परहित बस जिनके मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाहीं। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने भी एक परहित का ही कार्य किया था, जो सागर जैसी जगह में जहाँ पेन की स्याही मिलना मुश्किल था, वहाँ इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह गौरव की बात है, बुंदेलखंड की गौरव की बात है, सम्मान की बात है। सुनील जी, आप एक ऐसे गौरवपूर्ण व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए बैठे हैं जो वास्तव में उसकी योग्य है। यह केवल ना एक व्यक्ति के सम्मान की बात है, अपितु संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। मैं तमाम लोगों से, सागर के और बुंदेलखंड के व्यक्तियों से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि बुंदेलखंड के एक बेटे द्वारा बुंदेलखंड के दूसरे बेटे को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए जो मुहिम है उसमें आप पूर्ण रूप से सहयोग करें और माँ नर्मदा से, ईश्वर से मैं दुआ करता हूं कि सुनील जी, आपने और आपके सहयोगियों ने जो मशाल जलाई है, यह मशाल अनवरत तब तक जलती रहे जब तक गंतव्य प्राप्त नहीं कर लेती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय प्रशासन से यह मांग करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वह सुनील जी द्वारा किए जा रहे कार्य का संज्ञान लें और उचित कार्य करें ताकि शीघ्र अतिशीघ्र उनकी मांग पूर्ण हो। सुनील जी, आप वास्तव में शेर हैं। आज आपका छठवां दिन है, मैंने आपसे बात की, लगा नहीं कि आपने 6 दिन से कुछ खाया नहीं। बहुत ही कठिन कार्य है ये और ईश्वर से विनती करता हूँ कि आप अपने कार्य में, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कार्य में सफलता अर्जित करें और आपको आपके संघर्ष का पूर्ण प्रतिफल मिले जो इच्छा आप रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, आपके तमाम सहयोगी गौरव मिश्रा, संदीप कटारे, रूपम पाठक, राकेश पाठक, यश अग्रवाल, कपिल चंदसौरिया, विश्वेंद्र मिश्रा, द्रकपाल, श्रीकांत और तमाम सहयोगी जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोगों के बिना यह कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। सुनील जी जड़ हैं लेकिन तना, टहनियाँ, पत्तियाँ सब आप लोग हैं। आप लोगों का कार्य सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौर, जय भारत।